हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कुटोर। मैं चेतना पटेल। आज हम बनाएंगे अपने किचन में टूटी फूटी केक। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पे भी बना सकते हैं, और आज हम गैस पे ही बनाने वाले हैं। टूटी फूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसके लिए हमें एक कढ़ाई में रेत के ऊपर स्टैंड रख कर एकदम धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। दूसरी साइड हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बड़े बोल में एक कप नॉर्मल खट्टा दही, सवा कप पिसी हुई चीनी, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का हो जाए तब तक मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। दूसरे एक बोल में आधा कप टूटी फूटी, 2 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, 1 चम्मच किशमिश के टुकड़े और 1 टेबलस्पून मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदे से अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को कोट करने से ड्राई फ्रूट्स बेकिंग टाइम नीचे बैठ नहीं जाते हैं, तो आप ये प्रोसेस जरूर करें। अब केक टिन को बटर या ऑयल से ग्रीस कर ले और बटर पेपर से लाइन कर लेते हैं। अब दही वाला जो मिक्सर 10 मिनट के लिए रखा था, इसमें आधा कप ऑयल, चुटकी नमक, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1.5 कप मैदा डाल देंगे। ध्यान रखना है पूरा मैदा नहीं डालना है, 2 पार्ट में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मैदे की जगह व्हीट फ्लावर का भी केक बना सकते हैं, पर व्हीट फ्लावर से बनाया हुआ केक थोड़ा क्रम्बली और हैवी बनता है। मैदे वाला केक ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अब इसमें टूटी फूटी वाला जो मिक्सचर था वो डाल देते हैं और हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। ज्यादा मिक्स नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी है, अब इसे टिन में डाल देते हैं। मैदे से कोट किया हुआ टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स को ऊपर से थोड़ा डाल देते हैं। कढ़ाई भी हमारा प्रीहीट हो गया है, टिन को रख देते हैं और ढक कर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देते हैं। खास ध्यान रखना है एकदम स्लो फ्लेम पे ही बेक करेंगे। आप 20 मिनट के बाद टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक क्लीन निकलती है तो समझो कि बेक हो चुका है, अगर क्लीन ना निकले तो 5 से 10 मिनट के लिए वापस ढक कर बेक करने के लिए रख दे। केक बेक हो के रेडी है, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसे प्लेट में रख कर डीमोल्ड कर देते हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। एक एक बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।